मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश डीएन मिश्रा के मार्गदर्शन में 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे जिला न्यायालय परिसर में हुआ। आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 46 खंडपीठें गठित की गईं। इनमें पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्य तैनात किए गए थे। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज और हनुमना में भी लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री लिगिटेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए। आइए आपको ले चलते हैं जिला न्यायालय परिसर और सुनाते हैं आयोजित लोक अदालत के संबंध में क्या जानकारी दी गई। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। आज लोक अदालत का कार्यक्रम है जिसमें जो 135-138 के केसेज हैं उनमें सिविल दायित्व में जो 50,000 तक के केसेज हैं और जो कोर्ट में लगे हैं उनमें 20% की छूट का प्रावधान दिया गया है। जो केसेस कोर्ट में नहीं लगे जिनको प्री लिटिगेशन कहते हैं उनमें 30% की छूट का प्रावधान है और जो ब्याज की राशि है उसमें छूट है। इन तक उन्होंने ज़्यादातर शिकायतें कायम देखी जा रही है। ज़्यादातर शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों में पंप्स में हैं जो केसेस बने हुए हैं। शहर में भी डीएल से सीएल और चोरी के प्रकरण में उनका निपटारा कर रहे हैं। लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं और उनको इसका प्रकरणों का निराकरण बहुत सारे प्रकरण है जिनको हम यहाँ रिवाइज भी कर रहे हैं जिनमें कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि बिलिंग में कोई इश्यूज है तो उनको तत्काल स्पॉट पे रिवाइज करके उनको छूट का लाभ देते हुए प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नोटिस पहुँच रही है उनका मतलब पैसा जमा है ऐसे भी शिकायत नहीं। मुझे तभी एक ही प्रकरण समझ में आया चूँकि वो प्रकरण पीडी हो चुका है तो उस प्रकरण की भी हम जाँच करा रहे हैं। अगर उनको उन्होंने की राशि जमा है तो उसको निश्चित रूप से उसको समाप्त किया जाएगा। ऐसे ही लोगों को जिनका बिल ज़्यादा है, बिल ज़्यादा आया है, खपत कम है, उनको किस तरह निराकरण करेंगे? नहीं, बिल ज़्यादा और खपत कम है वो लोक अदालत के प्रकरण नहीं है, वो प्रकरण ऑफिस में निराकरण होते हैं। लेकिन हम उनके भी आवेदन यहाँ ले रहे हैं और उनका वहाँ पर पूरा विश्लेषण कर उनको ऑफिस से उनको फिर उसका निराकरण करेंगे। नाम बता दीजिए। मैं आई के त्रिपाठी, अधीक्षण अभियंता वर्णम, सर्कल रीवा। जी, क्या पूछा हमने? लोक अदालत लगाई गई है जी, इसमें जो अपनी लोक अदालत लगाई गई है इसमें बिजली के और अपने नगर पालिका के प्रिलिटिगेशन मामले और जितने न्यायालय में जो राजीनामा वाले प्रकरण होते हैं चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल का हो वो सब मामले रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा मामले अपने बिजली के रखे गए और ये जो अपना MSET वाले होते हैं जो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण होता है उसके मामले जाता है। कितनी सिविल आज लगा कर आज जैसे हमारे तहसील और जिला मिला के 46 खंडपीठ गठित की गई और इसमें जो है प्री लिटिगेशन के 2,500 मामले और जो पेंडिंग है लंबित मामले वो 2,600 के लगभग रखे गए। इस प्रकार कुल 5100 मामले रखे गए। इसमें पिछले बार तो हमारे यहाँ लगभग 1,000 के समथिंग हो गए थे ना पेंडिंग वाले और 1,000 जो हुए प्री लिटिगेशन वाले हुए। इस साल उससे अधिक होने की संभावना है। अभी जो आए हैं लगभग 500-600 के आ गए हैं डिटेल, इतने लगभग हो गए हैं और अभी शाम तक और भी हो जाएंगे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।